नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एलपीजी गैस केवाईसी फॉर्म भरना सिखाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी इस तरह का एलपीजी गैस केवाईसी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा आपको इस फॉर्म में पेस्ट योर फोटो है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो को चिपकाना है इस बॉक्स में। इसके बाद देखिएगा आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। यहाँ पर देखिएगा आपको मिस्टर या मिसेज भरना है। इसके बाद देखिएगा आपको आपका जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम इनबॉक्स में, मिडिल नेम आपको बीच वाले बॉक्स के अंदर पर देना है और आपका जो लास्ट नेम है वो इनबॉक्स के अंदर पर देना है। नेम की डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको गैस कंज्यूमर नंबर भरने का ऑप्शन मिलता है। तो जो आपके गैस कनेक्शन के नंबर है वो नंबर आपको इनबॉक्स में भरना है। इसके बाद देखिएगा डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी जन्म दिनांक है वो इनबॉक्स में भरना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लोज रिलेटिव आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे फादर या स्पाउस नेम आपको इनबॉक्स के अंदर भरना है। अपनी मदर का नेम आपको इनबॉक्स के अंदर भर देना है। अब देखिएगा एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन या फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले देखिएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस में, यहाँ पर देखिएगा आपको कैटेगरी कोड भरना है। जैसे देखिएगा POA है, इसके आगे आपको एक कोड लिखना है। तो इस फॉर्म में आपको जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा और कैटेगरी कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए तो यहाँ पर देखिएगा आधार कार्ड का कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप वोटर आईडी दे रहे हैं तो वोटर आईडी का कोड भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखकर आपको सबसे पहले कोड यहाँ पे भर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा जो आपका हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, आपका जो स्ट्रीट रोड नेम है, सिटी टाउन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फोन नंबर, ईमेल आईडी की डिटेल आपको इन बॉक्स के अंदर भर देना है। नीचे आएंगे तो देखिएगा आपको अदर रिलेवेंट डिटेल यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका कोड आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ से देख के आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में देखिएगा आपको आधार कार्ड के कोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से देख के आपको यहाँ पर कोड भर देना है। इसके बाद देखिएगा आपको अपने आधार कार्ड के नंबर इनबॉक्स में भरना है। इसके बाद देखिएगा आप जैसे नीचे आएंगे तो राशन कार्ड डिटेल्स इफ अवेलेबल, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किस स्टेट ने आपको राशन कार्ड इशू किया है उस स्टेट का नेम और राशन कार्ड के नंबर आपको भर देना है। नीचे देखिएगा आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगी, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अपना नेम और सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। जिस तारीख को इस फॉर्म को आप जमा करा रहे हैं उस दिन की आपको डेट यहाँ पे भर देनी है। नीचे वाला आपको फॉर्म नहीं भरना है, यह डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, उसके द्वारा भरा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी एलपीजी गैस केवाईसी फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हमारे पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।